मुंह से बोल भी सकते हैं कुछ। ओहो माय गॉड, ये तो सड़ गई जो हम घर से लेके। आपको पता है क्या, कल मैंने और पापा ने कैटरपिलर निकाला है बैंगन के ऊपर से। अच्छा लगता है नीचे दबी थी तो ये खराब हो गई। दिखा ना, ये देख देख सकते हो आप, ये खराब हो गई। हम घर से लाए थे अपनी सब्जी तो ये खराब हो चुकी है अभी, लगता इसलिए है शाम को सब्जी बनाएंगे। भगवान चाहते हैं कि हम घर की सब्जियां ना खाएं। नहीं, एक सब्जी खराब हो सकती है, ये दब गई थी नीचे ना, ये सब्जी खराब हो गई। मौसम आपके पलक आई है, देखो यहाँ पे बाल आया है, यहाँ पे निकालो, विश मांगो, इधर है। है, इधर है, इधर है, आया आया आया। हाँ विश मांगो, नहीं उड़ा एक बार में तो मान लेना कि आपकी विश पूरी नहीं होगी। उड़ गया। हाँ पक्का आपने मांगा होगा कि मेरे वन मिलियन हो और जाए, देखो देखो, आप है ना, है ना, सुनो है ना, सुनो, पक्का क्या आपने मांगा होगा आपके वन मिलियन हो जाए। 1 मिलियन? माई गॉड, यहाँ 1 लाख नहीं हो रही, अभी 50,000 नहीं हो रहे। 1 मिलियन का वो तो बड़ा लंबा ख्वाब है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मजे से होंगे, जहाँ भी आप सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो मैं टीवी को बंद कर देती हूँ। तो अभी वही सुबह सुबह का टाइम हो गया है, बच्चे अभी सोए हैं, पति देव जा चुके हैं ड्यूटी, उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना के उनको भेज दिया है और खुद भी ब्रेकफास्ट उनके साथ कर लिया है। बाकी सुबह यहाँ पे सोई हुई है। अभी पता सुबह का कितना टाइम हो रहा है, सुबह उठना नहीं, आज उठना है नहीं, उठना है। हेलो मैडम, उठना है नहीं, उठना है, चलो उठ जाओ, कम ऑन गेट अप। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और ये अभी तक नहीं उठी है। और यहाँ पे एक छुटकू है और फोन पे पता क्या करता है आजकल, आजकल ये फोन पे, ये इसके बर्थडे वाला फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब शिवा का फर्स्ट, हाँ जब आपका फर्स्ट बर्थडे था, इसको एडिट करवाई फोटो को, और इस पे अभी स्क्रीन पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग करता है, और इस पे कुछ अपना कुछ क्या, यस सब कुछ मतलब बोलता रहता है कुछ भी, और उस पर रिकॉर्ड हो जाता है। एक दिन इसने पूरे 5 घंटे की रिकॉर्डिंग करी थी, तो यहाँ 2 घंटे की थी। हाँ वो सुबह ने मेरे को बताया, मेरे को पता नहीं चला कि क्या कर रहा है फोन पे। यस नहीं, आपका बर्थडे था यहाँ पे, यहाँ पे दीदी का बर्थडे नहीं था, आपका बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे। शिवा को पता भी नहीं था क्या होता है उस टाइम बर्थडे भी। तो यहाँ पे आए हुए हमें लगभग कितने दिन हो गए, सुबह 11 को आए थे हम, या 12 को, 10 को आए थे, नहीं 10 को नहीं आए थे, 11 को आए थे हम यहाँ पे, और आज हो गई है 15। तो आज आए हुए हमें 4 दिन हो गए यहाँ पे, मतलब 11 शाम को पहुंचे थे हम, तो 4 दिन हो गए हमें। 4 दिन के बाद पिछले कल मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, और फिर आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो सोचा कि आज श्रावण महीने का पहला दिन होगा। हाँ 15 के बाद होता है वैसे, इसमें बता देते हैं, लेकिन जो असली मंथ होता है वो 15 के बाद लगता है, तो मेरे को नहीं पता। हमारे यहाँ पे संक्रांति बोली जाती है, संक्रांति के बाद वो मंथ लगता है, तो अभी कमेंट में बताना। हाँ और कमेंट में बताना क्या स्टोरी है इसके पीछे, जो पहले बता देती है, मैं समझ नहीं पाई अभी तक क्या स्टोरी है। तो मौसम पहले आपको बता देती हूँ कि मौसम यहाँ पे फिलहाल तो ठीक है, अभी बाहर धूप खिली हुई है, जैसा पहले आपको दिखाया था, वो शुभ ने जाके बाहर शूट किया था, तो मौसम लगभग ठीक है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब आज भी धूप है, हालांकि यहाँ पे 4 दिन का अलर्ट बताया हुआ है, लेकिन रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी। कल भी मौसम ठीक था, कल भी पूरा दिन भर धूप खिली रही, परसों भी धूप थी, हाँ चौथ थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिस दिन हम आए थे ना उसके अगले दिन बारिश हुई है यहाँ पे पूरा दिन भर, और उसके बाद अभी 2 दिन से मौसम लगभग ठीक है। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि मंडी में तो बहुत बुरे हाल है, हम मंडी से फिलहाल दूर है, मंडी से दूर होके हम किन्नौर में हैं अभी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। शिवा भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे घर की तरफ तो इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर मंडी है वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, जैसे कई जगह तो बाढ़ वगैरह भी आ गई है, स्लाइड तो जगह जगह हो रहे हैं, स्लाइड तो अपने एरिया में भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो हम अभी सेफ हैं, फिलहाल सेफ हैं। और यहाँ पे भी इस साइड भी स्लाइड का बहुत खतरा रहता है, बहुत मतलब कभी भी स्लाइड हो जाते हैं। स्लाइड पता कब होते हैं, जब ये रचने वाली बारिश होती है ना, बिल्कुल धीमी वाली बारिश होती है और ये लगातार लगी रहती है, उसके बाद जैसे एकदम से धूप होती है, बीच में तो स्लाइड होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब धूप होती है तो उसमें ज़्यादा स्लाइड होने का खतरा होता है, उसमें ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं।
तो फिलहाल तो भाई हम सेफ हैं भगवान की कृपा से और सब आपकी शक्ति की दुआओं से। चलिए अभी कर लेते हैं, मैंने तो कर लिया ब्रेकफास्ट, लेकिन बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने है मेरे परांठे, मैंने दो परांठे इन दोनों को रखे हैं, इसमें मैंने बड़ी बड़ी प्याज की स्लाइस डाल दी है। और एक तरीका बता देती हूँ आपको, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे अगर, तो आपके जो परांठे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो ये परांठा देखिए कब से मैंने बनाए हुए हैं, ऐसे हार्ड हो जाता है। इसमें मैंने पनीर भी डाला है, प्याज भी डाला है, बाकी और सारे मसाले डाल के मैंने तैयार किया, हरी मिर्च काट करके, बस आटे में ही गूंथ दिया था उनको। और वो वाले परांठे मैंने आज पति देव को भी खिलाए हैं, गंकन को ज़्यादातर परांठे खाना पसंद है। अभी लड़ाई, ये देखो लड़ाई शुरू हो गई, उठ के इन्होंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सारा काम हुआ, और देखो कोई भी एक बंदा भी शरीफ नहीं है। ये देखो ये शरीफ लगता है आपको, लग गई उसको, हद्दे हद्दे, ब्लूमर वाला बेबी कौन है, बस हो गया हो गया हो गया। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी, मेरे काम भी साथ में चले रहते हैं, क्योंकि दोपहर में तो ज़्यादातर दाल चावल वगैरह ही बनते हैं, दाल अलग अलग टाइप की हो सकती है, बनते बस चावल ही हैं। तो आज मैं बताती हूँ आपको कौन सी दाल मैंने बनाई है। अभी जा चुकी है, लाइट के बिना आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने वाला है। आज की जो दाल है वो मैं बना रही हूँ बिना टमाटर के, बिना टमाटर के, क्योंकि टमाटर भी बहुत महंगे हो गए हैं। मैं डालूंगी दही, मजाक कर रही हूँ, वैसे भी टमाटर महंगे हो चुके हैं और मैंने लिए भी नहीं है, तो मैं इसको दही के साथ बनाऊंगी, दही के साथ भी बहुत टेस्टी। नहीं यहाँ पे बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, ये तो शायद मौसम की वजह से भी हो रहा है, लेकिन शुक्र ये है कि ऐसे नहीं जा रही है कि जैसे दो तीन दिन के लिए चली गई, तब तो हाल बेहाल हो जाने थे, तब तो पता नहीं क्या ही हो जाता यूं लाइट के बिना। तो भाई लाइट भी आ चुकी है, साथ में दाल भी हमारी बन चुकी है, दही मैंने इसको लगा दिया है, दाल मेरी पूरी तैयार है। सिंपल भी अभी शाम के बच रहे हैं 5 यहाँ पर, और लाइट आई थी तो टीवी चला था, शिवा हो रहा है कि मेरे को नज़ारा ही देखना है। नज़ारा एक चैनल का नाम है जहाँ पे कार्टून आते हैं, और बाहर से मैंने कपड़े उठाए हैं, अभी धोए थे, वो मैंने इधर ही रखे हैं बेड पे ही, और ये गाड़ी घर से भी लिया था, तो यहाँ पे गाड़ी चल रही है इसकी। और अभी मैं सोच के रही हूँ कब से वेट कर रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, तो फिर मैं कर नहीं पाई। मेरा एक सूट मैं स्टिच कर रही थी, जिसका आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग देखने को मिलेगा, वो मैंने घर से स्टार्ट किया था उसमें मैंने, और उसकी एक एक पार्ट की वीडियो मैंने लखवारे फैशन डिजाइनर चैनल के ऊपर डाली हुई है। जैकेट वाला सूट बना रही हूँ, कुछ अलग तरीके से उसको क्रिएट कर रही हूँ, और अभी मैं उसको निकालूंगी, मतलब वो रह गया तो सलवार के मेरे पौंचे रहेंगे उसमें बनाने को, पौंचे में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मुझे करनी है, डिज़ाइन डालना है। और बाकी शर्ट मैंने पूरी स्टिच कर दी है, बस उसके साइड में जो चाक है ना यहाँ पे, उस यहाँ पे मुझे पट्टी लगानी है, उसमें वो रह गई है मेरे, तो उसकी मुझे वीडियो भी शूट करनी है। तो चलिए वो मेरा रहा है, वो मैं कर लेती हूँ अभी। मैंने यहाँ पे बेड बॉक्स के अंदर रख दिए हैं वो कपड़े, अभी मैं निकालूंगी। और घर से मैं ये वाली मशीन लेके आई हूँ, ये वाली मशीन अच्छी है, आप बोल रहे थे कि इसके रिव्यू हमारे साथ शेयर करना, तो रिव्यू मुझे लगता है मैंने लतुआरे फैशन डिजाइनर चैनल के ऊपर सारे रिव्यू शेयर कर दिए थे। मैंने अमेजोन से मंगवाई थी ये वाली मशीन, और जिस टाइम मंगवाई थी 20,000 की थी, उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार शायद इसको 2-2.5 या 3 साल हो गए मंगवाए हुए, उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत महंगी चीज़ मैं मंगवा रही हूँ, पता नहीं कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, मतलब दिमाग में एक डर था। लेकिन बाद में जब पहुँची, फिर थोड़ा ये भी रहा कि उसमें टूल किट मेरे को मिल नहीं रही थी, बाद में पता चला कि ये जो है मशीन को ही खोलते हैं, तो मशीन के अंदर ही थी वो। तो जब मैंने वीडियोस देखी और वीडियोस देखी यूट्यूब पे सर्च मार के, तो यूट्यूब से बहुत हेल्प मिलती है हमें इस तरह के, सो थैंक यू यूट्यूब। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ स्टिच, और थोड़ी बहुत वीडियो आपके साथ उसके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगी और फिर इस ब्लॉग को आज ही मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये रहा सूट, ये बिल्कुल प्लेन सूट था, और प्लेन सूट मतलब ये 200 समथिंग मैंने सेल से उठाया था, और सिल्क का फैब्रिक है इसका। नज़दीक से दिखाऊं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसमें, और बाकी इसमें मैंने कुछ ये गला बनाया है चौर्स, बैक भी और फ्रंट भी, और अभी यहाँ पे भी मुझे पट्टी लगानी है इसमें साइड से, और फिर मेरा सूट बनकर तैयार हो जाएगा। सेम तरीके में मैंने जैकेट बनाई हुई है इस पर, इसकी सलवार है, और इस मुझे पौंचे बनाने बाकी रह गए हैं। चलिए फटाफट से करती हूँ। धूप खिली हुई है, मौसम एकदम से क्लियर है, सिर्फ रात को बारिश हुई थी, बाकी आज मौसम क्लियर है। थक गया, शिवा के पास क्या है, शिवा के पास देखो
क्या ये शिव आपके पास है? यस, जिस भी वाला इरेजर है शिवा के पास। ये जो गाड़ी आपको दिख रही है, दिखाओ जरा, ये जो आपको गाड़ी दिख रही है इसके पापा ने लाया है। तो ये गाड़ी नहीं है, ये इरेजर है, धुंधला दिख रहा है, जेसीबी वाला इरेजर। वाह, अब तो शिवा अच्छे से पढ़ाई करेगा, जेसीबी वाला इरेजर मिल गया ना। मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। की तो है, दो सब्जेक्ट का किया है आपने। मैंने लगाया है। हाँ। मैंने सुंदर बनाई। हाँ। क्या? तू दिखाना है? सो फाइनली भाई अभी हो चुकी है रात और ये रहे यहाँ पे सुबी, शिवा एंड मैं। हमारा डिनर वगैरह हो गया और डिनर में एक नई डिश बनी थी जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। और वो रेवती दी वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं ये अभी भी। चलिए अभी व्लॉग को खत्म कर देते हैं। सुनो, एक गेम खेलते हैं। नहीं, मैंने नहीं खेलनी गेम अब रात 11 बजे। कौन गेम खेलता है? चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, गुड नाइट। चलिए अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, इतनी रात को हुई थी, लेकिन घर की तरफ बहुत आज तो अत्यधिक बारिश हुई है। जिस 4 दिन का अलर्ट है तो वहाँ नीचे मंडी में बहुत बारिश हो रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।